डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम रोटीफ्रा के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे फाइलम रोटीफ्रा रोटीफ्रा जो है टू ग्रीक वर्ड्स का कम्बीनेशन है रोटा मीन्स व्हील और फ़िरा मीन बियर यानी ये व्हील लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस एनिमल्स के अंदर मौजूद है और इसका नाम जो है वो यूजअली इसमें एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं कोरोना कोरोना जो है ये चीज़ आल्सो डिराइव फ्रॉम ग्रीव बर्ड क्राउन जिस तरह किसी एनिमल के सर पे क्राउन होता है इसी तरह से जो रोटी हैं इनके हेड पे भी एक कोरोना लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वे इस इसका नाम रोटी फिरा तजवीज़ किया गया अब कोरोना जो है यूजुअली इट इज़ प्रेजेंट अराउंड लोब्स अराउंड द हेड और इसके सिलिया जो हैं दे विल नाट बीट साइमल्टेनियसली इसके अलावा इसका हर सिलियम जो है नॉर्मली दूसरे से पहले बीट करेगा यानी जितने भी ये बॉडी के गिर्द सिलिया हैं सिंक्रोनिकली मूव नहीं करेंगे बल्कि एक सिलिया पहले मूव करेगा उसके बाद फिर नेक्स्ट सिलिया फिर नेक्स्ट सिलिया रेस्ट करेगा और उससे नेक्स्ट सिलिया जो है वो मूव करेगा यानी एक वेव ऑफ बीटिंग जो है वो समझ लें आप बॉडी के गिर्द जो है अपीयर होगी जिससे एनिमल जो हैं वो लोकोमोशन शो करेंगे और ये सिलिया जो हैं दे आर इट पासिस अराउंड द पेरेफ्री ऑफ़ द सिलियेटेड लोब्स। अब इससे इम्प्रेशन क्या आता है कि ये सिलिया जो है चूंकि पेरीफरी पर पे मौजूद है जिस तरह से एक स्पिनिंग व्हील है स्पिनिंग व्हील अपनी मूवमेंट शो करता है और उससे फंक्शनिंग होती है इस तरह से इसके अंदर जो सिलिया है ये भी बीट करेंगे और कोरोना की फंक्शनिंग जो है बॉडी के साथ फिर रिलेट होगी दैट्स वाई रोटी फर्ज जो हैं पहले इनको व्हील एनिमल कुल एनिमल कुलिस इनका रोटीफर्ज का पहले नाम जो था वो था व्हील एनिमल कोलीज रोटीफर्ज जो हैं नॉर्मली छोटे एनिमल्स हैं दे आर स्मॉल एनिमल्स और इनका साइज जो है जीरो पॉइंट वन से लेके 3 थ्री mm मिली तक लेंथ में वेरी करता है अबंडेंट हैं फ्रेश वाटर में हैबिटेट इनकी फ्रेश वाटर है जबकि लेस देन 10 परसेंट ऑफ रोटी फर्ज जो हैं वो मेरीन एन्वायरमेंट में भी रहना पसंद करते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसकी अभी तक 2000 स्पीशीज़ जो हैं दे आर नोन और उन 2000 स्पीशीज़ को टेक्सोनिस्ट ने थ्री क्लासेस में डिवाइड किया है इनकी बॉडी के ऊपर थाउजेंड ऑफ़ सेल्स प्रजेंट होंगे इनके जो सेल्स हैं जो ऑर्गन्स हैं दे आर यूटेली रोटी फर्ज जो हैं सोलिट्री भी हो सकते हैं स्विमिंग भी हो सकते हैं है, फ्री स्विमिंग भी हैं कुछ जो हैं वो फ्री बॉडी फॉर्म में रहना या इंडिविजुअली रहना पसंद करते हैं बट मोस्ट ऑफ द रोटीफर्स दे लाइक टू लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रोटीफर्स शोइंग देयर एक्सटर्नल फीचर्स इसमें आप देखें कि इसकी बॉडी के गर्द ये कोरोना मौजूद है कोरोना के गर्द सीलिया हैं और वी लाइक अपियरेंस है दैट्स वाई देयर नेम रोटीफर्स इज़ जस्टिफाइड दूसरे इसके अंदर सैंड के ग्रेन्स के अंदर भी ये रह सकते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स में हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेट्रल अनसिगमेंटेड सूडोसिलोमेट्स इनके अंदर भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है और उसके अंदर हर डाइजेस्टिव सिस्टम के आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म दे आर स्पेसिफिक फंक्शन एंटीरियर सेल जो हेड पे सिलिएटेड कोरोना मौजूद होगा पोस्टीरियर एंड पे एडहेसिव ग्लैंड मौजूद हैं वेल डेवलप्ड क्यूटिकल मौजूद है प्रोटोनिफ्रीडिया मौजूद हैं प्रोटोनफ्रीडिया के साथ फ्लेम सेल्स हैं बोथ दीज स्ट्रक्चर्स दे असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन मेल्स जो हैं दे आर रिड्यूस्ड इन नंबर आर एबसेंट देअर फोर इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ पार्थोजेनेसिस एक्सटर्नल फीचर्स में बॉडी के बाहर एपिडर्मस एपिडर्मस जो है इज सिक्रीटेड क्यूटिकल सिक्रीट करेगा एक्सटर्नल सरफेस पे होगा और कुछ स्पीशीज़ के अंदर क्यूटिकल जो है नॉर्मली दिस थिकन्स थिक होके एक और ए अपनी बॉडी के गर्द एनकेसमेंट बना लेता है उसको हम कहते हैं लॉरिका अब क्यूटिकल जो लॉरिका जो है दे नॉर्मली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स अगेंस्ट डेंजर वेयर देयर आर प्रेजेंट इसके अलावा इसमें सुडोसिलोमेट हाइड्रोस्टेटिक स्पोर्ट प्रोवाइड करेगा एपिडर्मस मौजूद है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट हैं हेड जो है कोरोना है माउथ है सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं इसके अलावा इसके अंदर ब्रेन जो है दैट इज़ आल्सो वेल डेवलप्ड, यानी इसके अंदर सेंसरी और मस्कुलर सिस्टम दोनों क्वाइट एविडेंट कोरोना जो है दैट्स अराउंड द बकल फ्लूड बकल फ्लूड इज अ लार्ज सिलटेड एरिया फिर इसमें ट्रंक मौजूद है एलोंगेटेड सैक लाइक है एनस मौजूद है पोस्टीरियर नैरो पोर्शन जो है ऑफ रोटीफर्स इज कॉल्ड फुट यानी फुट या आप समझ लें लोकोमोटरी ऑर्गेनालिस इसकी अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग इन द फाइलम रोटीफर्स टर्मिनल पोर्शन फुट का दैट बियर्स वन आर टू टोज एट द बेस ऑफ दी एट द बेस ऑफ फुट देर आर मैनी ग्लैंड और ये ग्लैंड जो हैं टोज को अटैचमेंट में हेल्प करेंगे फुट जो है दैट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम सब्स्ट्रेटम के साथ जब फुट अटैच होगा तो बॉडी की सिक्रीशंस होगी उससे ये बॉडी अपने आप को सरफेस के साथ अटैच कर सकती है